नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कृष्णाभिषेक और उनके मामा गोविंदा के बिगड़े रिश्तों के बारे में हम सब जानते हैं। कुछ दिनों पहले कृष्णाभिषेक और गोविंदा के रिश्तों पर कई खबरें मीडिया में छपी, जिनके बाद ये सबको पता चल गया कि इनके बीच सब कुछ ठीक नहीं। कृष्णा और गोविंदा के खराब रिश्तों की वजह से अब इनके करीबियों और साथी कलाकारों को भी परेशानी हो रही। रिपोर्ट्स की माने तो कीकू शारदा और कृष्णाभिषेक के बीच ऑल इज नॉट वेल। दरअसल हाल ही में कीकू शारदा ने द कपिल शर्मा शो में गोविंदा और कृष्णा के रिश्ते पर एक जोक बोल दिया, जिसके बाद कृष्णाभिषेक खफा हो गए। अब कृष्णाभिषेक के साथ अपनी लड़ाई की खबरें आग की तरह फैलती देख कीकू शारदा ने मीडिया में आकर इनका खंडन किया। कीकू ने अपनी और कृष्णा के झगड़े को अफवाह बताया। कीकू शारदा ने बताया कि उन्होंने शो में जो भी कहा वो स्क्रिप्ट का हिस्सा था और कृष्णा को इस बात की जानकारी थी। ऐसे में लड़ाई की बात ही कहां आती। कीकू ने कहा, ये जोक हमारी स्क्रिप्ट का हिस्सा था, कृष्णा और मैंने इसकी रिहर्सल भी की थी। कृष्णा इतने भी बच्चे नहीं है कि इतनी छोटी छोटी चीजों को दिल पर ले ले। साथ ही मैं जानबूझकर ऐसा क्यों करूंगा कि वो मुझसे नाराज हो जाए। कीकू शारदा ने आगे कहा कि मैं और कृष्णा काफी समय से एक दूसरे के साथ काम करते आ रहे। हम दोनों ने कई किरदार एक साथ किए। मुझे लगता है कि किसी ने जानबूझकर ये अफवाह फैलाई। हम दोनों ऐसे मजाक करते रहते हैं और कृष्णा को भी ऐसी लाइनें बोलने में मजा आता है। लोगों को भी पता है कि हम केवल हंसाने की कोशिश करते हैं। कई बार जोक लोगों को फनी लगता है, कभी नहीं। हम दोनों काफी अच्छा रिश्ता शेयर करते हैं। तो देखा आपने, कीकू की बातों से तो साफ हो गया है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। बता दें कि कुछ दिनों पहले गोविंदा कपिल के शो पर आए थे। उस एपिसोड से कृष्णा नदारद, जिसके बाद से ही मीडिया के गलियारों में इस तरह की खबरें फैल गई कि मामा भांजे के रिश्ते बिगड़ गए। बाद में कृष्णा ने मीडिया के सामने कई खुलासे करते हुए लड़ाई की वजह बताई थी, जिसके बाद गोविंदा ने भी सबके सामने रिश्तों का मजाक बनाने के लिए कृष्णा की फटकार लगाई थी। खैर, दोनों के बीच सब कुछ ठीक कब होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल कीकू संग लड़ाई पर कृष्णा क्या बोलते हैं ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। वैसे आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।